ये मेरे साथ जान के किया है ना। रेस दो थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम शपैकिंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरएचएस एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। डे 3 इन बाली। आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा एडवेंचर करने के लिए बाली में। एटीवी प्लस राफ्टिंग, ये बाली की दो ज़रा मेन चीज़ें हैं, मेन चीज़ों में से ये दो हैं कि यहाँ पे जंगल्स के अंदर एटीवी राइड्स और उसके अलावा राफ्टिंग होती है, तो वो हम जाएंगे। फिलहाल अभी ड्राइवर हमारा वेट कर रहा है लॉबी में, निकलना है फौरन। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने स्कूटर बुक किया है बाली में फिरने के लिए, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है। और उसमें मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे 100K मतलब 100,000 रेट मिला है पर डे मुझे स्कूटर का, जो कि बाहर से शायद थोड़ा सस्ता हो। मैंने कल बाहर निकल के सारा पता किया, बाहर भी 100K रेट है, तो इन्होंने अच्छा रेट दिया जो मार्केट का है। तो अभी मैंने उन्हें कहा है कि हमें आज के लिए भी चाहिए। वैसे तो हम एटीवी राफ्टिंग करके शाम को वापस आएंगे, लेकिन शाम को भी निकलने के लिए हमारे पास कोई चीज़ चाहिए। तो वो खड़ा हमारा स्कूटर, सबसे यूनिक कलर वाला, ये कार हमें लेने आई है। हम लोग बाली पहुंचे हुए हैं परसों से, और अभी तक जितना बाली देखा है बहुत खूबसूरत जगह है ये। मतलब आप सड़क पर निकलते हो साथ ही आपको ग्रीनरी, लश ग्रीन और इस तरह से चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत मज़े का सीन है। अभी फिलहाल हम लोग राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस है, पहले मैंने कभी राफ्टिंग नहीं की हुई, मुझे थोड़ा सा स्केरी लगता है, देखते हैं आज क्या बनता है। एटीवी मैंने की थी लास्ट टाइम कनाडा में, आइस एटीवी, लेकिन आज यहाँ पे होगी जंगल एटीवी, उसका एक अलग लेवल है। अच्छा, मैंने तो राफ्टिंग कभी नहीं की हुई, आपने की हुई है? नहीं। है? एक्साइटेड? Yes. अभी जो मैंने रील्स अपलोड की हैं वो देख के सारे बोल रहे हैं कि आपको तो कैमरा वुमेन मिल गई है, पिक्चर्स भी आ रही हैं, भाई की रील्स भी बन रही हैं। कितने अरसे का आपका कैमरा वुमेन होने का एक्सपीरियंस है? बहुत अरसे है, कोई नहीं है। अब आर एच एस की बीवी है, थोड़ी कैमरा सफाई तो है हाथ में, तो वो बस मैं मेरी बनती है हाथ की सफाई। क्यों हाथ की सफाई में है क्या, चोरियां चोरियां डेंटिस्ट में हाथ की सफाई तो बनती है। अयुंग दिवाता राफ्टिंग, अयुंग रिवर का नाम है जिसके अंदर ये राफ्टिंग होती है। अभी यहाँ पे कोई शायद साइन वगैरह होंगे। हाय, हेलो, क्या पीके हो का? येलो कलर का हेलमेट पहन लिए हो? राफ्टिंग के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, हेलमेट्स पहना दिए उन्होंने, एक एक का सूटी जी फड़ाती है। और अभी यहाँ से ये कोई फसलें हैं, बहुत खूबसूरत सी जगह है हर तरफ। ये वाला ज़रा थोड़ा ऑफ लग रहा है क्योंकि ये भी फसल बोई है, ये चेक करो, सिर्फ फुल ऑन ग्रीनरी। और इसमें से होते हुए हमने 250 मीटर्स जाना है अभी रिवर तक, फिर उस रिवर में होगी राफ्टिंग। 250 मीटर्स वॉक, 250 steps? 250 steps, I think, yes. जिसके स्टेप छोटे हों उसके 300। ये तो हम किसी एकदम से घने जंगलात में आ गए और हमें नहीं पता था कि इस तरह के एरिया में से गुजरना है, वरना हम इंसेक्ट रिपेलेंट लगा लेते, वो कुछ भी नहीं लगाया हुआ। अब इस तरह की जगह पे इतना डेंस किस्म का ये जंगल है, यहाँ पे छोटे मोटे कीड़े वीड़े ये इस तरह की चीज़ें फिर रही होती हैं जो आपको अच्छी खासी एलर्जी भी कर सकते हैं और बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं, वो हमें पता ही नहीं था। अब अल्लाह ही वारस। मैं ये सोच रहा हूँ कि नीचे तो हम जा रहे हैं इजीली, ये इतना वापस कैसे आना है? ऑलमोस्ट देयर। ओए होए होए, इन्होंने हमें 250 स्टेप्स कहे थे, मैंने आपको 250 मीटर्स बताया था, मीटर्स नहीं 250 स्टेप्स थे, और वो लग रहा है कि 2500 स्टेप थे, इतना ये ख़तरनाक किस्म का स्टेप है ना एक। और अब ये है जी राफ्टिंग। यार ये तो इसके अंदर पानी आ रहा है, बोट में सिर्फ फूक पड़ी हुई है। यस, मोर तू मेनू सेट ही दे। या मोर, यस लाइक दैट। एंड फॉर द पर्स प्लीज होल्ड योर पैरा लाइक दिस, वन हैंड इन द मिडल,
one hand middle, and one hand in the T grip, like this. See this? Okay. And later, please don't hold but like this. Don't hold but like this. If you hold but like this, if you bending, मुझे लग रहा था मैं GoPro यूज़ कर पाऊँगा, फ़ोन तो हमने रख लिया वाटर प्रूफ बैग्स में, लेकिन मैं ये भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दोनों हाथ इसके लिए चाहिए। डर लग रहा है? फट्टू 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 नटखट्टू। ओए होए होए होए, खूबसूरत यार, खूबसूरत। No. शैतानियां करते हैं बशीर यार। Look at me sir, like this. Crocodile, crocodile. Your hand until in the water. See that? Ah, see? Until the water. Nah, you need a mop. You need a mop. वाह यार क्या खूबसूरत जगह है ये कसम से। ओए होए होए। Just relaxing. Yeah, hold on. ये इजी है। हेलो बॉय। ये इसलिए ना जान के किया। ओफ यार बहुत खूबसूरत जगह है कसम से ये। अब आने लगा है सीन, अब आने लगा है सीन। ओ बाजिए ओए ओए। ये बशीर हमारे साथ जान के शुकीनिया कर रहा है मजाक के अलावा। अटकेलियां गए थे हमें ना। मैं तो गई थी। एनिमीज वो फ्लिप हो गई है। Hold! Come on, go! Hey! Flip, flip! Big drop. Oh, a big drop party. Big drop. Oh my god. Hold on, guys. Come on. Here we go. Woo! Okay. Pakad ke. ये मेरे साथ जान के किया है ना। चाचा बशीर तू बाज नहीं आंदा। होल्ड टाइट होल्ड टाइट होल्ड 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 मोर टाइट होल्ड मोर टाइट। ये गई थी अभी। ओ ओ ओ ओ अभी एक स्टॉप आया है ये वाटरफॉल है पीछे और यहाँ पर रुकी है। बज रही है नीचे बिल्कुल। जंग लग गई। अभी हम लोगों का एक स्टॉप आया है यहाँ पे और इतनी ये खूबसूरत जगह है, मतलब मैं जितना इतनी जगह मैंने देखी है, मैं जितनी भी इसकी तारीफ करूँ वो कम है।
अगर कभी भी बाली आओ, कुछ और करो ना करो, इंटरनेट पे इसका राफ्टिंग का जिक्र बहुत कम मिलेगा आपको। अगर आप सर्च करोगे ना मस्ट डू थिंग्स इन बाली, शायद राफ्टिंग का जिक्र आपको बाकी चीज़ों की नस्बत कम मिले। लेकिन ये एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे लग रहा था कि यार इतना तो लिखा नहीं हुआ इंटरनेट पे इसका, तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा वो ना हो, ये वर्थ इट ना हो। लेकिन करने के बाद क्या ग्रीनरी, जंगल्स के अंदर से एक दरिया गुजरता है, उसमें से आप जा रहे हो, एकदम से बीच में एडवेंचर आ जाता है, थ्रिल आता है, फिर एकदम से बहुत ही रिलैक्सिंग और पीसफुल सा आ जाता है, आप फिर ऐसे करके बैठ जाते हो। इस कदर खूबसूरत जंगल के अंदर से गुजरता हुआ दरिया मैंने कभी भी नहीं देखा हुआ, इतना पीसफुल, इतना खूबसूरत, लश ग्रीन, एक अलग लेवल का एडवेंचर है ये, बहुत आला सीन है भाई। शोकी शोकी में गया था। वो जो नीचे आपको राइस फील्ड्स नज़र आ रही हैं वहाँ से हम क्लाइम करते हुए आ रहे हैं, और अभी स्टिल हमने ऊपर जाना है। 60 मोर स्टेप्स। यस सर। हिम्मत मारो हिम्मत। वो देखो सामने, तेज 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 रन। इतना बड़ा बड़ा स्टेप है। हम लोग उसी स्पॉट पे वापस पहुंच चुके हैं जहां से शुरू किया था हमने, और कॉम्प्लीमेंट्री लंच है अभी, बहुत ही खूबसूरत राइस फील्ड्स के साथ इन्होंने टेबल लगाए हुए, एक ओपन रेस्टोरेंट है, यहां पे बैठ के खाएंगे, और बफे है ऑल हलाल। इसके अंदर क्या क्या है भाई, क्रैकर्स हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल सैलड है, कोई ये क्या चीज़ है, ये कोई चिकन करी टाइप है, और इसके अंदर भी फ्राइड चिकन, पोटैटोज, वेजेस, और साथ में बॉइल्ड राइस। ठीक है, सही है, बॉइल्ड राइस। और ये खाते हैं, आलू ले, गोभी ले, टींडे ले, मटर ले। खाना लेके हम लोग बैठेंगे, ये भी वैसे बड़ी मज़े की जगह है, लेकिन हम बैठेंगे यहाँ बाहर, ये ज़्यादा खूबसूरत है। फ्रेश फील, फ्रेश फूड, गर्मा गर्म, मतलब एकदम से आपको लगता है कि आप बहुत ही किसी खूबसूरत जंगल में हो, जहाँ पे आपको बहुत फ्रेश फील आ रही है। बैठ के खाओ पियो, थोड़ा सा इधर उधर निकलो, मार्केट्स में पहुँचो, बाली से मोहब्बत होती जा रही है मुझे। हम लेंगे चिकन विद राइस। मीठा, मतलब नहीं इतना भी मीठा, एकदम से लगा बहुत मीठा है, अब थोड़ी सी सोया सॉस की फील आ रही है। खाना वाना डन, हम तकरीबन यहाँ पे बैठे रहे हैं, कोई घंटा बैठे रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो राफ्टिंग में कपल था उनके, वो भी आके उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, फिर बातें इतनी चलती रहीं। अभी खैर क्या टाइम हो गया, ढाई तीन, 2:30 ऑलमोस्ट। इतनी प्यारी जगह थी यार ये, अब देखो सिंपल सा रेस्टोरेंट है, सामने फसलें, ये स्पॉट था, और अब अच्छे बादल आने शुरू हो गए, हमारी गाड़ी रेडी खड़ी है, अभी हम जाएंगे ATV के लिए, वो पता नहीं किसी और जगह पे होती है। ATV स्पॉट पे हम पहुंच चुके हैं, वो सामने आपको ATVs खड़ी भी नज़र आ रही हैं काफ़ी सारी। ATV एक्सपीरियंस इन बाली, क्या मज़ेदार सीन है, बस अल्लाह करे धूप खत्म हो जाए, बहुत तेज़ धूप हुई इस टाइम, हम लोगों ने सनस्क्रीन भी नहीं लगाई, नहीं बादल हैं साइडों पे, लेकिन फिलहाल बहुत तेज़ धूप है। अभी ये हमें बाली की सड़कों से होते हुए एक रूट पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे बेसिकली ATVs का रूट है, जंगल के अंदर से गुजरते हैं, वाटरफॉल्स में से गुजरते हैं, टनल्स में से गुजरते हैं, वो देखता हूँ जाके। हेलो 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 यार, क्या फील है यार बाली की, कसम से जितना मैं इस ATV को एंजॉय कर रहा हूँ बाली की इन गलियों में से गुजरते हुए, आपको एक एक्सट्रीम लोकल फील आती है। सामने देख के चलाओ। पहली बार है, ज्यादा टर्नेलियां नहीं अच्छी होती। अभी हम लोग रोड से काफी अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे सीनरी वाइज बहुत मजे का है ट्रैक, लेकिन
पता नहीं ये एक्चुअल ATV ट्रैक आ चुका है या अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं, बट यहाँ पे राइड करना कोई ख़ास फन नहीं है बल्कि डेंजरस है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े गंदे से खड्डे हैं और साथ ही ये नदी सी चल रही है। इतना भी डेंजरस नहीं है लेकिन खैर इतना कोई फन नहीं है इस टाइम राइड का। Yep, good. अभी हम लोगों ने वहां से टर्न लिया है, अब ट्रैक शुरू है और ये क्या खूबसूरत, मतलब पूरे आप जंगल के अंदर ATV चलाते हुए आ रहे हो यार। यहाँ पे बेगम मेरी फंस चुकी है, पहले बहुत अच्छी ATV चला रही थी ये। नो प्रॉब्लम, रेस दो थोड़ी सी। हाँ रेस दो, रेस दो। ओके गुड गुड, चलो 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 चलो। लेकिन ये बहुत टफ ट्रैक है, मजाक के अलावा बता रहा हूँ, काफी टफ ट्रैक है। अच्छी खासी आपको जो है ना वो मोड़ मुड़ैयों के ऊपर पूरी जान लगानी पड़ती है। ओ गई, कीप गोइंग, गो गो, गुड। आप इमेजिन करो कि इसके अंदर से गुजरना था, ये कितना टफ है, वो ऊपर से आके मुड़ के और ये वाटरफॉल के नीचे से गुजरना था, जो कि किसी के लिए भी टफ हो सकता है। महा ने किया, हालांकि मेरे लिए टफ हो रहा था, मुझे मुश्किल लग रहा था, ये पता नहीं लोग लोग के मोटरसाइकिल चलाती रही है बट बहुत अच्छा, मतलब मुझसे अच्छी ATV राइड कर रही। पहले की हुई है? नहीं, लोग लोग के मोटरसाइकिल चलाई है, मैंने पता लग गया। चले लेट्स गो। यहाँ हम लोगों को इन्होंने जंगल में एक स्पॉट पे लाके रोका है, ये इतने अच्छे इंसान हैं, इन्होंने हमारी इतनी अच्छी पिक्चर्स ली है ना जितनी हमने कही। और ये एक ट्रैक था पूरा जो मैंने मतलब आपको 10% दिखाया सिर्फ, तो क्योंकि बहुत मुश्किल है इस ट्रैक पे ATV राइड करना, कहीं से बिल्कुल ऐसे जाता कहीं से ऐसे, और पत्थरों के जंगल के अंदर से आपने उसको अपनी पूरी जान लगा के मोड़ना होता है। तो मैं हैरान हूँ कि मेरी बेगम ने किस तरह से ये ATV यहाँ पे चलाई है, अभी मेरे लिए मुश्किल थी, मैं बाइक्स राइड करता रहता हूँ। वो मुझे पूछ रहे थे कि और राउंड्स लगाने में, नहीं एक राउंड बहुत है, सानू वापस चढ़ दियो, और राउंड चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस है, मजा आया? हाँ, पर बहुत खौफनाक है। खौफनाक ये ATV एडवेंचर मस्ट है, अगर आप कभी भी बाली आओ मस्ट, जिसे कह सकते हैं ना मस्त के आगे काफ़ी सारे टी लगा दो, ये इतना आला किस्म का नस्ली किस्म का एडवेंचर है, जिसमें आपको एक रिमोट बाली की थोड़ा सा मतलब इनके लोकल एरियाज जो छोटे छोटे टाउन्स हैं उनकी फील आती है, जंगल्स की फील आती है। ये आगे हम मेन रोड पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अभी असल में ये लास्ट स्लॉट था जिसकी वजह से रश नहीं था, बाकी अदरवाइज ये काफ़ी सारी ATVs खड़ी हैं, अभी तो क्लोजिंग टाइम है तो सब वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे आपको लॉकर्स भी मिलते हैं, आप अपना सामान इजीली रखो, घूमो फिरो। एक्सट्रीम ATV एंड ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस के बाद हम लोग वापस आए होटल, आके मैं तो सीधा पूल में चला गया था, पौना घंटा मैंने पूल में गुजारा, उसके बाद नहा धो के नमाज वगैरह पढ़ के अब हम रेडी हुए बाहर जाने के लिए। कैसा एक्सपीरियंस था ATV और राफ्टिंग का? बहुत अच्छा। इतनी अच्छी ATV चलानी कहाँ से सीखी है? सही पहली दफा थी ये, मैं जहाँ पर डर रहा था वहाँ से शू करके जनाब निकल रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, डिनर वगैरह करेंगे, कोई उबुद की गलियों में फिरेंगे, क्योंकि उबुद की गलियों की भी एक अलग फील है बिल्कुल। आज डिनर के लिए हम लोगों ने उबुद में जो जगह ढूंढी है उसका नाम है टाको एंड ग्रिल उबुद बाली। ये हलाल रेस्टोरेंट है, मतलब यहाँ पे हलाल चिकन और हलाल बीफ मिलता है ऑथेंटिक, इनके पास इसकी सर्टिफिकेशन है। बहुत अच्छा सा माहौल है, ओपन एयर, एक ट्री हाउस टाइप कैफे है, एक ज़रा कैंडल लाइट डिनर माहौल है। यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया नाचोस, बीफ चिली नाचोस, उसके अलावा बीफ प्लस चिकन टाकोस विद क्रिस्पी शेल, साथ में बरीटोस। इतनी भूख लगी हुई थी कि मैं आधा टाको और कुछ नाचोस खा चुका हूँ, और बहुत मज़े का खाना है।